हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को शेयर बाजार की नॉलेज होती है, उन्हें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले फंड का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स को लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और ELSS की कैटेगरी में रखा जाता है। पिछले 5 वर्षों में शानदार रिटर्न देने वाले ये 5 म्यूचुअल फंड्स हैं। बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 की, जो कि है एक्सिस ब्लू चिप फंड यानी कि लॉर्ड्स कैप फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स या बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में पिछले 5 वर्षों में 23.45% का सालाने के हिसाब से रिटर्न दिया है। इस फंड में आप 1000 रुपये SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड्स नंबर 2 की, कैनरा रोबको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि है लॉर्ड्स कैप फंड। कैनरा रोबको म्यूचुअल फंड की शुरुआत 8 वर्ष पहले हुई थी। इसने भी पिछले 5 वर्षों में बेहतर रिटर्न दिया है। इसने SIP पर पिछले 5 साल में सालाना 22.14% का रिटर्न दिया है। इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3691.25 करोड़ रुपये है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स नंबर 3 की, जो कि है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में ने पिछले 5 वर्षों में SIP पर 33.21% का रिटर्न दिया है। इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2383.38 करोड़ रुपये का है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स नंबर 4 की, जो कि है एक्सिस मिड कैप फंड। इसने पिछले 5 वर्षों में SIP पर 26.27% का रिटर्न दिया है। इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 13,834.27 करोड़ रुपये का है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स नंबर 5 की, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसने पिछले 5 वर्षों में SIP पर 28.22% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये थे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिनसे आप सबसे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका कोई सवाल भी है तो वो भी लिख भेजिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ईकॉम फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।